हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको थोड़ी सी बेसिक टर्म्स कराऊंगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बिजनेस के अंदर किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिक्स के बारे में बताया था कि हमें बिजनेस में कैश चाहिए, एसेट्स चाहिए या कुछ हमारी लाइबिलिटीज़ भी होती हैं और क्या क्या एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं। अब और आज हम डिटेल में करेंगे, दैट इज़ एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं, क्योंकि एसेट्स का टॉपिक ऐसा है जो काफ़ी वाइड है, मीन्स आपको एसेट्स के बारे में डिटेल में पता होना ज़रूरी है। तो एसेट्स के बारे में एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ कि क्या बताया था, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बिजनेस का राइट है। सपोज मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस में 1,00,000 रुपये कैश लगा रखा है, मीन्स मेरे बिजनेस में 1,00,000 कैश है, उसके ऊपर भी मेरा राइट है। ठीक इसी तरह अगर मैंने बिजनेस की तरफ से कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट करा रखे हैं, वो बैंक बैलेंस भी मेरा ही है, मीन्स मेरे बिजनेस का है, मेरा नहीं है, मेरे बिजनेस का है, क्योंकि मैं अलग हूँ और मेरा बिजनेस अलग है, मैं उसकी मालिक हूँ, बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। तो कैश जितना रखा है वो बैंक में, जितना बैलेंस है उसके ऊपर किसका हक है, बिजनेस का हक है। दूसरी चीज़ इसमें आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता ही है, जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं कि वो फिक्स एसेट्स बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं और इन एसेट्स को हम खरीद कर सेल नहीं करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती है। तीसरी चीज़ आती है एसेट्स के अंदर, कोई भी ऐसा पैसा, कोई भी अमाउंट जो हमें किसी बाहर के पर्सन से मिलना है। जैसे मुझे किससे मिलेगा, अगर मैंने किसी को लोन दे रखा है वो पैसा मेरे पास वापस आएगा, या मेरे से कोई उधार गुड्स खरीद के गया है क्योंकि मैंने उसको गुड्स दिए हैं तो वो बदले में मेरे को वो पैसे देगा, तो वो मुझे मिलना है, तो वो भी हमारी एसेट है। अब एसेट्स के अंदर सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आपको इतना मैंने बता दिया, जो भी बिजनेस के पोजीशन में है, यानी कि जिसके ऊपर बिजनेस का राइट है या जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, और ऐसा अमाउंट जो फ्यूचर में रिसीव होना है, वो क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती हैं। अब हम वन बाय वन इनके एग्जांपल देखेंगे। कैश आपको पता ही है, बैंक मीन्स बैंक में जितना जमा है वो। डेटर्स, फर्स्ट पॉइंट आया इसमें डेटर। अब डेटर्स कौन होते हैं, आप मेरा बिजनेस है, मैं गुड्स सेल करती हूँ, कुछ कस्टमर आते हैं गुड्स ले लेते हैं बदले में कैश दे देते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि वो कहेंगे कि आज थोड़े से पैसे कम है या मेरे पास नहीं है, मैं थोड़े दिन में दे दूंगा। लेकिन वैसे तो देखो उधार गुड्स हम बेचते नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट होता है या हमारा रिलेशन होता है वहाँ हम सेल भी कर देते हैं। तो डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको गुड्स हमने सोल्ड किए हैं उधार पर। तो पर्सन्स टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, सोल्ड गुड्स टू के। अब देखो सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचे, किसने बेचे, यहाँ आपको बार बार नहीं लिखेगा किसने बेचे, तो आपको पहले ही सोच के चलना है बिजनेस ने सेल किए हैं, बिजनेस ने गुड्स बेचे हैं, किसको बेचे हैं, के को, ऑन क्रेडिट। तो बिजनेस ने के को बेचे हैं। अब जब बिजनेस के को गुड्स दे रहा है तो बदले में उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर बिजनेस से एक चीज़ जा रही है तो बदले में कुछ आएगा भी, तो बदले में क्या आएगा, कैश आएगा, अभी आया नहीं है। और मैंने आपको बताया जो पैसे हमें मिलने हैं वो हमारी क्या होती है, एसेट। और लेकिन इसको हम नेम क्या देते हैं, इस एसेट के नेम को, डेटर्स। एसेट्स के कई टाइप्स के नेम आएंगे, बस आपको वो हेडिंग क्लियर करनी है और आपको खुद पता लग जाएगा कि वो एसेट है या लायबिलिटी है। तो डेटर्स कौन हुए, जिनको हमने उधार माल बेचा। तो यहाँ पे जो के हुआ, के कौन हो गया, डेटर हो गया, के कौन हुआ, डेटर। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में इसको बोलते हैं देनदार, जिसने पैसे देने हैं, मींस हमें मिलने हैं। नेक्स्ट आता है बिल्स रिसीवेबल। अब देखो एक तो के ऐसा था जिसको मैंने उधार माल बेचा, एक पर्सन और भी था, राम। अब मैं बिजनेस की तरफ से मैं राम के पास गई, मैंने कहा कि आपने गुड्स खरीदे थे 10,000 के, मेरे पैसे वापस दो। मैं उसके पास गई, मुझे उसने बोला कि मेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं। तो कहता है कि भी मैंने उसको बोला कि भी मैं तो इतने राउंड नहीं लगा सकती। तो उसने क्या किया,
तो मैंने उसको ये बोला, चलो ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये पैसे मेरे को 1 मंथ में दे दोगे। कहते ठीक है चलो मैं दे दूंगा, लेकिन इससे बात नहीं बनती। अब उसने बोल दिया, क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी? नहीं, मुझे भी प्रूफ चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, एक डॉक्यूमेंट रेडी करती हूँ। क्या रेडी करती हूँ? एक डॉक्यूमेंट, इस तरह से एक कागज होता है, ठीक है, बिल रिसीवेबल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और जो हायर अथॉरिटीज ने अप्रूव किया होता है। उसमें क्या लिखा होता है? उस पर्सन का नाम लिखा होगा। नाम क्या हो गया? राम। उसमें वो लिखता है राम रेडी मैं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं। वो कहते हैं मैं 1 मंथ दे दूंगा, 1 मंथ बाद दे दूंगा। तो मुझे अपने प्रूफ के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट रेडी करती हूँ। वो किसके नाम पे रेडी करती हूँ? राम के नाम पे। तो मैंने उसमें क्या लिखा, आई राम ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 1 मंथ बाद आपके 10,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो है पे कर दूंगा, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट लिखा और नीचे जो है उस डॉक्यूमेंट पे यहाँ नीचे उसके क्या करा लिए, सिग्नेचर करा लिए। राइट किसने किया? मैंने किया, यानी कि बिजनेसमैन ने किया। और सिग्नेचर किसने किए? राम ने किए। इसका मतलब क्या हुआ, राम ने उसके ऊपर साइन कर दिए, मतलब उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 1 मंथ बाद पैसे दे दूंगा। 1 मंथ बाद क्या होगा, ये जो बिल है ये कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। बैंक से जो है वो पैसे ले लेगा कौन? बिजनेस, ठीक है। तो जब कोई डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो जिसका पैसा कब मिलता है उसको, मतलब एक डॉक्यूमेंट बिल रिसीवेबल कब बनता है, जब उसको डेटर एक्सेप्ट कर लेता है, जब डेटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखो, अब इस डॉक्यूमेंट से, पहले वो हमारा डेटर था, अब ये डॉक्यूमेंट जो है उसने डेटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें? बिल रिसीवेबल में। क्लियर? डेटर किसमें कन्वर्ट हो गया? बिल रिसीवेबल। अब हमारा डेटर क्रॉस हो जाएगा, हमारा डेटर कन्वर्ट हो गया बिल रिसीवेबल में। अब हमें पहले डेटर से पैसे मिलने थे, अब हमें किससे मिलेंगे? बिल का पैसा मिलेगा। क्लियर? तो अब बिल जो है हमारे क्या होगा, इससे पैसा रिसीव होगा, इसलिए ये हमारी क्या है, एसेट है। इसकी डेफिनेशन देखो, अ डॉक्यूमेंट विच इज रिटन बाय, अब मैंने यहाँ ब्लैंक रखा है, वो इसलिए लिखा है, रिटन बाय ओनर, बिजनेसमैन, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब बिजनेस, जो भी बिजनेस का नेम है वो आ जाएगा। जो अब बिजनेसमैन जो है लेने वाला है, तो उसमें यहाँ पे आप कह सकते हो रिटन बाय क्रेडिटर एंड एक्सेप्टेड बाय राम। लिखा तो इसको बिजनेस ने, एक्सेप्ट किसने किया? राम ने। एक्सेप्ट करने के बाद डेटर कैंसिल हो गए, क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। तो अब हमें बिल रिसीवेबल का पैसा मिलेगा, इसलिए बिल रिसीवेबल किसके अंदर आया? एसेट के अंदर आया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें स्ट्रोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रोक। स्ट्रोक आपने सुना होगा कि बिजनेस के अंदर, जैसे हमारा क्लॉथ का बिजनेस था, उसके अंदर जितना भी माल पड़ा हुआ है वो क्या है? स्टॉक है। स्टॉक की जो मेज़रमेंट की जाती है एट द एंड ऑफ ईयर की जाती है। हम ये देखते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एंड ऑफ ईयर में कितने गुड्स ऐसे थे जो सेल नहीं हुए। स्टॉक का मतलब होता है गुड्स रिमेन अनसोल्ड, गुड्स रिमेन लाइंग अनसोल्ड। देखिए, एट द एंड गुड्स रिमेन अनसोल्ड आर कोल्ड स्टॉक, कि यानि कि जो माल बिना बिके रह गया वो हमारा क्या है? स्टॉक है। यानि कि जो गुड्स हमारे सेल नहीं हुए उनको स्टॉक बोलते हैं। अब स्टॉक की भी एक होता है स्टॉक, एक होता है इन्वेंट्री, होती दोनों वही हैं, लेकिन सिर्फ नेचर का डिफरेंस होता है। अब नेचर का डिफरेंस कैसे होता है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बिजनेस होता है किसी चीज़ को बनाने का और एक बिजनेस होता है उस चीज़ को सिर्फ बेचने का। जो बिजनेसमैन गुड्स को बनाते हैं, यानी कि जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनकी उनको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और जो सिर्फ खरीदती हैं माल को और सिर्फ आगे सेल करती हैं, बड़े बड़े शोरूम्स, बड़ी बड़ी शॉप्स, वो क्या करती हैं? गुड्स को परचेज करती हैं और फिर सेल कर देती हैं, उस बिजनेस को हम बोलते हैं ट्रेडिंग कंपनी। तो आपको ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ बिजनेस दो होते हैं। फर्स्ट आता है आपका ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी कौन सी होती है? गुड्स परचेज करती है,
उसके बाद उन गुड्स को सेल करती है। जैसे हमारा बिजनेस किस चीज़ का था, हमने क्लोथ का बिजनेस रखा था, तो मैं क्लोथ में टी शर्ट्स परचेज करूँगी, जीन्स परचेज करूँगी और फिर उसके बाद उनको सेल कर दूँगी। लेकिन एंड पे ये जब ईयर एंड होगा तब मेरे पास कुछ स्टॉक ऐसा होगा जो सेल नहीं हुआ होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्टॉक। अब दूसरा पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर इन्वेंट्री होती है और उसके अंदर इन्वेंट्री ये नहीं होता सिर्फ एक इन्वेंट्री हो, इन्वेंट्री के 3 टाइप्स होती हैं। अब देखो हमने लिया था क्लॉथ का बिजनेस, सपोज करो मैं मैन्युफैक्चर भी करती हूँ और मैं ट्रेडिंग भी करती हूँ। ट्रेडिंग के केस में तो जो मेरा शॉप पे अनसोल्ड स्टॉक है वो स्टॉक है। अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है, मैं कपड़ा बनाने के लिए क्या खरीदूँगी, कॉटन खरीदूँगी, कॉटन को मैं कपड़े में चेंज करूँगी ना, कपड़े में चेंज करूँगी, और कॉटन से कपड़ा बनाने में कुछ कपड़ा ऐसा होगा जो पूरा बन चुका होगा और कुछ कपड़ा ऐसा होगा जो पूरा रेडी नहीं हुआ होगा। अब सबसे पहले आया कॉटन। कॉटन क्या है मेरे लिए, रॉ मटेरियल। कॉटन क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। दूसरा आया सेमी फिनिश्ड, जो कपड़ा मैंने बनाना शुरू कर दिया है, कॉटन को मैंने कपड़े में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है लेकिन वो अभी पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो किस में आ जाएगा, सेमी फिनिश गुड्स। इसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जिसके ऊपर कुछ काम करना रहता है। तीसरा आता है फिनिश गुड्स, क्योंकि मैं फैक्ट्री के अंदर कपड़ा बना रही हूँ तो कुछ कपड़ा जीन्स और टी शर्ट्स ऐसी होंगी जो बन चुकी हैं लेकिन पूरी बन चुकी हैं, वो किस में आ जाएंगी, फिनिश्ड गुड्स में आ जाएंगी। क्लियर? तो 3 टाइप हुई। अब हमने रॉ मटेरियल लिया, अब कपड़ा बनाने के लिए टी शर्ट और जीन्स तो हमारी फुल फिनिश गुड्स हैं, वो कहाँ पे है, ट्रेडिंग कंपनी में। अब टी शर्ट और जीन्स बनाने के लिए मैंने क्या खरीदा, या तो मैं कॉटन खरीदूंगी या क्लॉथ। अगर मैं कपड़ा भी खुद बनाती हूँ तो मैं कॉटन खरीदूंगी, अगर मैं कपड़े से सिर्फ सिलने का काम करती हूँ तो मैं क्या खरीदूंगी, क्लॉथ खरीदूंगी। तो क्लॉथ के बाद कुछ टी शर्ट्स क्या होंगी, टी शर्ट्स हाफ प्रिपेयर है, क्या बन चुकी है, हाफ बन चुकी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। और जो कंप्लीट रेडी है वो किस में आ जाएंगे, फिनिश्ड गुड्स में। क्लियर? तो ये होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब आपको पता लगा कि अब ये हमारे एसेट्स कैसे हैं। अब देखो एसेट्स इसलिए हैं, जब आप इन गुड्स को, ये गुड्स ऐसे हैं जो अभी सेल नहीं हुए हैं, लेकिन जब इन फ्यूचर आप इनको सेल करोगे आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और हमने यही बोला था, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी या जिससे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा वो क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। राइट? ये था आज का आपका पॉइंट, एसेट्स क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एसेट्स में, एसेट्स की क्लासिफिकेशन होता है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, हम उनको आगे डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हाँ, एक बात और, क्योंकि प्लस वन क्लास आपकी ये पहली या दूसरी क्लास है तो प्लीज़ अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकन भी होगा उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स एंड